हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो भी डायमेंशन कैलकुलेशन से रिलेटेड है। दोस्तों, आज का भी वीडियो हमने इसलिए बोला क्योंकि पिछले वीडियो में भी हमने डायमेंशन कैलकुलेशन के बारे में ही बताया था, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कोई अगर आपके पास जॉब हो और उसके फेस में कनकेव टर्निंग है, ठीक है, फेस में अगर आपका रेडियस में टर्निंग है तो उसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका जॉब है, ठीक है, और इसके फेस में जो है ऐसे अगर टर्निंग है तो इसका रेट यहाँ से यहाँ का ये डायमेंशन जो है कैसे निकालते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर ये मान लीजिए कोई आपका जॉब है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका कोई जॉब है और आगे में ऐसे जो है रेडियस है, सॉरी चेम्फर है, आगे में ऐसे चेम्फर है और इसमें ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो आपका एंगल यहां पे दिया हुआ है इसका मान मान लीजिए 15 डिग्री दिया हुआ है। इस एंगल का मान जो है 15 डिग्री दिया हुआ है और इसका ओडी दिया हुआ है मान लीजिए 50 mm, ठीक है, ये आपका 50 mm इसका ओडी है और इसमें ये जो लेंथ दे दिया हुआ है 5 mm दिया हुआ है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट कितना होगा, ये 50 है तो ये कितना होगा, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है। अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लोग निकाल लें तो हम लोग आसानी से ये जो है यहां का वैल्यू निकाल लेंगे। तो दोस्तों, इसको निकालने के लिए हम एक अच्छा सा फॉर्मूला बताएंगे जिसके सहायता से आप यहाँ पे कोई भी एंगल हो, 15 डिग्री हो, 16 डिग्री हो, 17 डिग्री हो, कुछ भी हो, उसके सहायता से आप लोग आसानी से इस पॉइंट को निकाल लेंगे। क्योंकि जब इसका प्रोग्राम आप बनाने जाएंगे तो आपको ये डायमेंशन की आवश्यकता पड़ेगा कि यहाँ किस पॉइंट से हम चालू करें और वो जो है यहाँ और वो जो है डायमेंशन आपके ड्रॉइंग में दिया नहीं है वहां आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का आप लोग पूरा लास्ट तक देखिए क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि कोड वगैरह याद कर लेते हैं और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो प्रोग्राम तो आसानी से बना लेते हैं, लेकिन फंसते हैं कहाँ, जहां हम लोग को रेडियस दिया हो, ठीक है, अगर चेम्फरिंग है या रेडियस में आपका जैसे ऐसा टर्निंग है तो वहां पर डायमेंशन निकालने में हम लोग फंस सकते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और आपके पास अगर कोई क्वेरी हो तो आप वहां व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने क्वेरी को छोड़ सकते हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके उस पर एक वीडियो बनाकर आपका क्वेरी को खत्म करें। ओके दोस्तों, तो करते हैं वीडियो का शुरुआत। और देखिए, ये मान लीजिए यहां से यहां तक 5 mm दिया हुआ है, ठीक है, और हमें ये अगर डिस्टेंस निकाल देंगे तो हम लोग ये ओडी आसानी से निकाल लेंगे ना, ये जो ओडी है आसानी से हम लोग निकाल लेंगे और इसी ओडी का हमें आवश्यकता है, ठीक है। तो देखिए, हम क्या करते हैं कि इस त्रिभुज को समझने के लिए हम यहाँ पे बाहर लाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मैथमेटिक्स से आपको दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक शॉर्टकट भी तरीका बताएंगे जिससे आप मोबाइल से आसानी से निकाल सकते हैं, मैथमेटिक्स पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम पहले थोड़ा सा मैथमेटिक्स में जाएंगे और उसको बताएंगे, ठीक है। ये त्रिभुज को जो है हम क्या किए कि यहां बाहर निकाल लिए, ये जो आपका त्रिभुज है इस त्रिभुज को हमने बाहर लिया और इसका जो वैल्यू है वो 15 डिग्री है, ठीक है, और यहां से यहां तक ये हमें मालूम है और ये कितना है 5। हमें निकालना क्या है, इसका वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों, ये जो एक त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, राइट एंगल है, और इसमें ये जो है इसका मान 90 डिग्री, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 90 क्यों है, क्योंकि ये अगर दो रेखा एक दूसरे पे खड़ा है, यहां से हमने सीधा लाइन खींचा है और ये भी सीधा है तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का ही होगा, ठीक है।
अब देखिए ये 90 हो गया, तो ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज हो गया। जिस भी त्रिभुज का अगर एक को 90 का हो जाता है उसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब आते हैं आगे, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसकी भुजा का नाम हो जाता है, ठीक है, ये कर्ण। 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। और ये देखिए ये 15 डिग्री है, ये एंगल है ना, तो इसके सामने वाला जो भुजा हो जाता है इसको हम लोग बोल देते हैं लंब, और जो बच गया वो हो गया आधार, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला हम लोग के पास होता है, लाल बट्टा कक्का, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार, ये हो जाता है आपका साइन थीटा। ये हो जाता है कॉस थीटा और ये हो जाता है टेन थीटा, ठीक है। अब देखिए हमें जरूरत किस किस चीज का है, ये आधार है और ये लंब है, तो इस फॉर्मूला में आएंगे। किस फॉर्मूला में हम लोग का आधार बटा लंब है, फर्स्ट वाला में तो लंब बटा कर्ण है, सेकंड में आधार बटा कर्ण है, लेकिन लास्ट में जो है वो लंब बटा आधार है, और हमें आवश्यकता भी है इस लंब बटा आधार का, और उसके लिए जो थीटा होता है वो टेन थीटा होता है, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू लंब बट्टा आधार, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस टेन थीटा का मान, ये तो 15 डिग्री है ना, अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में जाएंगे और टेन लिखकर, इसके लिए कैलसी आता है, ठीक है। आपके पास कैलसी नहीं है तो आजकल जो मोबाइल भी है ना स्मार्टफोन, उसमें भी टेन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू देने का ऑप्शन आता है, उसमें जाकर आप टेन थीटा ऐसे टेन, ठीक है, थीटा का जो भी मान है यहाँ 15 डिग्री है तो 15 डिग्री लिखेंगे। और उसके बाद देखिए ये लंब है और लंब का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ ऊपर लिख दिए लंब और नीचे लिख दिए आधार कितना है 5। अब सिंपल कैलकुलेशन करने तो आप लोगों को आता ही होगा, टेन 15 डिग्री, ठीक है। इसका जब हम लोग कैलकुलेटर से हल निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 0.26, ठीक है। हमने भी कैलकुलेटर से ही निकाला है, हमने कोई रट्टा मार के इसको याद नहीं किया है, ठीक है। ये दोस्तों सारे टेन थीटा का, सारे थीटा का मान याद करना जो है पॉसिबल नहीं है, कुछ होता है जैसे 30 हो गया, 60 हो गया, 45 हो गया, 90 हो गया, इसको हम लोग याद कर लेते हैं, लेकिन बीच में कोई पूछ दे कि टेन 15 का मान कितना होगा, साइन 20 का मान कितना होगा, तो इसके निकालने के लिए हमें कैलकुलेटर का आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। अब देखिए 0.25 हो गया और ये 5 जो है इधर भाग में है, तो इसको इधर लाएंगे तो ये गुना में हो जाएगा, ठीक है। और इसमें इसको गुना करेंगे तो गुना करने पे आ जाएगा 1.33, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये 5 नहीं, यहाँ पे 6 आएगा, सॉरी ये 6 आएगा, और इसको गुना करेंगे तो आ गया 1.33, ठीक है। इसको हम लोग 1.3 मान लिया। अब 1.3 जो वैल्यू निकल के आया वो यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू निकल के आया 1.3, ठीक है। ये वैल्यू जो निकल के आया 1.3, लेकिन दोस्तों ये जो है एक साइड का, तो दोनों साइड को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे, या 1.3 में 1.3 एक बार और जोड़ देंगे तो 2.6 हो गया। तो इसका ओडी कितना हो गया, इस 50 में से 2.6 को माइनस कर लेंगे, 50 माइनस 2.6, इसको हल करेंगे तो यहां हो गया 4, ये 9 में से 2 गया 7 और ये हो गया 5, 57.4, यानी कि ये जो ओडी है, ये जो ओडी आपको निकल आ गया 57.4,
ठीक है। अब देखिए, जिनको मैथ समझ में नहीं आए, बाहर में जाए इतना चीज, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने मोबाइल में कैलकुलेटर खोलिए, ठीक है, उसमें कैलसी वाला जो सिस्टम आता है उसको निकालिए और उसमें डायरेक्ट लिखिए टेन, लिखिए टेन, थीटा का जो भी मान है 15, ठीक है, टेन के बाद 15 लिख दीजिए और इसको बराबर दबा दीजिए, ठीक है, बराबर आएगा इसका वैल्यू जो भी आएगा, जैसे 0.26 है, 0.26 आ गया, 26 आ गया, यहाँ 26 लिख दिए। उसके बाद ये आधार जितना भी दिया हुआ है, ठीक है, ये नीचे का ये जो है आपका किम्फर का लेंथ जितना भी दिया हुआ है उससे इसमें क्या कीजिए कि गुना कर दीजिए 5 से, जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, वो एक साइड का हो गया, दोनों साइड को निकालने के लिए क्या करेंगे, डबल करके इसमें माइनस कर देंगे। आशा करते हैं कि दोस्तों ये चीज जो है आपको समझ में आ गया होगा। आपको मैथ के पीछे नहीं भागना है, मैथ नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट टेन लिखिए, ठीक है, मोबाइल के कैलकुलेटर में जाइए, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वैसे टेन लिखिए, फिर 15 लिखिए और 15 यानी कि जो भी यहाँ थीटा का मान दिया है वो लिखिए और उसके बाद आधार जो है उसको गुना कर दीजिए, जो भी आएगा वो एक साइड का हाइट आएगा उसमें 2 से गुना करके इस जो बड़ा ओडी में से माइनस कर दीजिए जो आया वो आपका इसका स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। अब देखिए ये तो था ओडी का, अगर यही आपका आईडी में रहे, मान लीजिए कोई ये हॉलो है, ऐसा कोई जॉब है, ठीक है, और इसमें अगर आईडी में ऐसे हो, आईडी में ऐसे चेम्फर हो, तो इसको क्या करेंगे, इसको क्या करें कि सेम जैसे ये निकाले थे आउटर का ओडी का, वैसे ही इसमें भी निकालेंगे, इसमें भी टेन थीटा का मान निकालेंगे, जो आधार है उससे गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, लेकिन यहां माइनस करने के जगह पे प्लस कर देंगे। आईडी है तो आपका तो ये दिया हुआ रहेगा ना, आईडी दिया रहेगा, ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि इस वैल्यू को एड कर देंगे, जो आएगा वो आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब इसका हम प्रोग्राम बनाएंगे तब आपको पूरा कंसेप्ट अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। ओके दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।